हाय एवरीवन, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप लिबरल रिलेशनशिप में रहना चाहती हो तो लिबरल रिलेशनशिप के लिए लीगल एज क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो कि इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि यदि मुझे लिबरल रिलेशनशिप में रहना है तो लड़के की जो उम्र है 21 साल और लड़की की उम्र जो है 18 साल होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यह जो कानून है ये सिर्फ मैरिज करने के लिए जो है कानून बनाया गया है। यह जो एज का क्राइटेरिया जो रखा गया है ये शादी के लिए रखा गया है कि यदि आप शादी करना चाहते हो तो शादी के लिए जो मेल पार्टनर की जो एज है वो 21 साल होना चाहिए और फीमेल पार्टनर की जो एज है वो 18 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन यदि आप लिबरल रिलेशनशिप में रहना चाहती हो तो इसको लेके जो है आपका जो कानून यह कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो वह अपने डिसीजन खुद ले सकता है और जिस व्यक्ति के साथ रहना चाहता है वो उसका पर्सनल जो है डिसीजन होता है। और इसके साथ साथ ये उसका जो है फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 21 में जो है उसको प्रोटेक्ट किया गया है कि वो एक प्रकार से राइट टू चूज पार्टनर का जो अधिकार है वो भी जो है व्यक्ति को मिल जाता है। तो यदि आपको लिबरल रिलेशनशिप में रहना है तो लिबरल रिलेशनशिप में रहने के लिए आपकी जो एज है 18 साल प्लस दोनों की एज होना चाहिए, उसके बाद जो है आप लिबरल रिलेशनशिप में रह सकती हो। लेकिन आप लिबरल में रह सकते हो लेकिन आप शादी नहीं कर सकती हो। लिबरल में रहना और शादी करना ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।